6 से ऊपर और 7 से कम ही है। ये पट्टा है, ये काफी ज्यादा बुरी हालत में चला गया था, पाँव से बैठ गया था ये। बाकी माशाल्लाह ये भी अच्छा दाना शाना चुग रहा है। बाकी एक ये चूजा है, 3 बचे नहीं, बाकी सेल सूल कर दिए थे। और पहले भी जो इनकी ब्रीड आती है मेरे पास वो ज़्यादातर सेल ही होती रही है। इसकी डिमांड बड़ी है, लोग इसकी नली की वजह से भी इसके चूजे हैं, आप इनकी चूजे की नली देखें। अभी से ही इसकी 14 और खपरेल नली है, तो ये वेलकम बैक हो गया आपका एक नदर व्लॉग के अंदर। तो आज का व्लॉग छोटा सा ही होएगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा जो मेरे चूजे सोखड़े में चले गए थे उनका मैंने जो इलाज किया था, वो सारी चीज़ें मैंने जो मेडिकेशन हुई थी वो सारा चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको चूज़ों का शो करवा दूँ जो कि उनकी अब की रिसेंटली जो उनकी हालत है। तो चले चूजे की तरफ, ये आगे हम चूजों की तरफ। पिछले कुछ दिनों से वीडियो इसलिए भी अपलोड नहीं थी हुई कि इनमें से कुछ की ना हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो उनके ऊपर ज़रा ज़्यादा टाइम दिया जा रहा था और बाकी भी काम होते, तो उसमें थोड़ा सा वीडियोस के लिए माजरत। अब से हम जल्दी इंशाल्लाह डेली की रूटीन पे वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले तो ये माशाल्लाह इस पट्टी का शो करें ज़रा, ये भी माशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। ये पीछे लाल पट्टी भी काफ़ी बेहतर हो गई है, वो काली पट्टी तो बिल्कुल माशाल्लाह से पूरी मुर्गी बन गई है। इनकी एज है कोई 7 मंथ, 6 से ऊपर और 7 से कम ही है। ये पट्टा है, ये काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में चला गया था, पाँव से बैठ गया था ये। बाकी माशाल्लाह ये भी अच्छा दाना शाना चुग रहा है। बाकी एक ये चूज़ा है, ये भी अभी पूरी तरीके से अपनी अच्छी कंडीशन में नहीं आया, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह ये भी जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद एक चूज़ा ये फिर रहा है, ये भी माशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो गया, अपना जो जिस्म का सोखड़ापन था वो ख़त्म कर गया, अब अच्छी तरीके से दाना शाना चुग रहा है। बाकी सिर्फ ये एक पट्टा रह गया, इसका भी इंशाल्लाह जल्दी ना ये भी रिकवर कर जाएगा। अभी इसके टांगों में उस तरह के लेवल की जान नहीं आई, लेकिन इंशाल्लाह ये भी आने वाले वक्त के अंदर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सर्दियों से पहले ये इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह सारे के सारे बेहतर हो जाएंगे। बाकी कोई दुआ ज़रूर करिएगा इनके लिए, ताकि बाकी एक पट्टा मेरा ये फिर खड़ा है। अभी शाम का टाइम है, शाम का टाइम है, अभी टाइम हुआ है 4:36 हुए हैं, तो अभी मैंने इनको शाम का दाना ज़रा डाला था, ये भी दाना शाना खा रहे हैं, ये भी एक पेयर दाना खा रहा है। ये ऊपर लसानी के साथ मैंने एक मुर्गी लगाई है काली, ये वाली माटी मैंने लगाई है अपनी लसानी के साथ, तो ये भी दाना शाना खा रहे थे, दाना दिया था इनको, पानी दिया था। उसके बाद ये एक ट्रायल सेट है, ये 2 शामू पट्टी हैं और उनके साथ ये काला एक थाई नर है, ये इनके साथ लगाया हुआ है। बाकी इंशाल्लाह अभी तो ये पट्टे तो अभी एग्स नहीं उतार रहे, उम्मीद है ये भी जल्दी एग्स की तरफ आएंगे, तो वो भी मैं आपको रिपेयर बोर्ड शेयर करूँगा। पानी इनका खैर गंदा आगे, पानी चेंज कर देते हैं। बाकी 3 चूजे ये हैं, एक वो चूज़ा बाहर फिर रहा है, ये भी माशाल्लाह से बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव हो गए हैं, ये माशाल्लाह से सारे के सारे माशाल्लाह ठीक हो गए हैं। ये माशाल्लाह से सारे बेहतर हो गए हैं। बाकी एक छोटे चूजों की जोड़ी ये थी, ये बैठे हुए हैं। उसके बाद ये चूजे, ये मादी जो अपने चूजे के साथ थी, ये भी चूजा मेरे ख्याल से नर ही बन रहा है। तो बाकी इसके 2 बड़े भाई मैं आपको दिखाता हूँ, ये उस चूजे के ये 2 बड़े भाई हैं, ये दोनों, ये भी दोनों नर हैं, वो भी जो बन रहा है वो भी नर है। तो लसानी का ये है ज़्यादा नर बनाता है ये, इसलिए मादी पेशे कोई सी भी हो, बाकी ज़्यादातर इसके नर ही बनते हैं। मैंने किसी को भेजा था, वो भी 2 नर बने थे, एक मादा बनी थी, और मेरे पास ये 3 ही बचे हैं, और ये तीनों ही मेरे पास नर आ रहे हैं।
तीन बचे नहीं, बाकी सेल सूल कर दिए थे। और पहले भी जो इनकी ब्रीड आती रही है मेरे पास, वो ज़्यादातर सेल ही होती रही है। इसकी डिमांड बड़ी है, लोग इसकी नली की वजह से, अभी इसके चूज़े हैं, आप इनकी चूज़े की नली देखें, अभी से ही इसकी चोरस और खपरेल नली है, तो ये लोगों को बड़ी मुतासर करती है। बाकी ये तो अभी पट्ठे हैं, इंशाल्लाह सर्दियों तक ये पूरे रेडी हो जाएंगे, तो इनका छोड़ के भी आपको शो कराऊंगा ज़रा। तो ये थी जी आज की कुछ वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सा परिंदा आपको अच्छा लगा। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे मैंने इन सब की मेडिकेशन की है, कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ हुई है, वो सारी बातें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा विद मेडिसन्स। अभी कुछ मेडिसन्स है नहीं थी, वो लानी भी थी, चाहिए भी थी, इनको इस्तेमाल भी करवानी थी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।